95 वर्ष की आयु में बूढ़ी माँ को देखना पड़ा बेटे और बहू की मौत का मंजर। बूढ़ी माँ को बुढ़ापे में था अपने बेटे और बहू का बहुत सहारा, बूढ़ी माँ का रो रो कर हुआ बुरा हाल। आगरा जाते समय मोटरसाइकिल सवार बेटे और बहू को ट्रक ने मारी टक्कर, हुई मौत। 95 वर्ष की उम्र एक ऐसी उम्र है जहाँ इंसान का शरीर लगभग काम करना बंद कर देता है और वह अपने परिवार पर ही निर्भर रहता है। अगर जिस पर हम निर्भर हैं वही हमें छोड़कर चला जाए तो इंसान पर क्या बीतेगी जो दूसरों के सहारे रहता था। ऐसा ही हुआ 95 वर्षीय हरीश कुमारी के साथ, जो कि फिरोजाबाद के थाना लाइनपार क्षेत्र के लेबर कॉलोनी में रहती हैं। उनका बेटा संदीप कुलश्रेष्ठ और उनकी बहू कुंजलता कुलश्रेष्ठ दोनों आगरा किसी कार्य से जा रहे थे, तभी रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों की मौत की खबर से उनके परिवार और क्षेत्र में मातम का माहौल है। वहीं 95 वर्षीय बूढ़ी माँ हरीश कुमारी का रो रो कर बुरा हाल है। अगर मृतक संदीप कुलश्रेष्ठ की बात करें तो उनके दो बेटे हैं, जो कि एक बेटा गुड़गांव में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और दूसरा बेटा चंडीगढ़ में अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन इस घटना से दोनों बेटों के ऊपर से माँ बाप का साया उठ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब इन दोनों बेटों पर सिर्फ अपनी दादी का साया ही रह गया है। लेकिन दादी का रो रो कर इसलिए बुरा हाल है कि उनकी देखभाल करने वाला उनका बेटा और उनकी बहू आज उनके बीच नहीं है। फिरोजाबाद से दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट।